देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। करेला एक ऐसी फसल है जिसमें कीड़ों का प्रकोप अत्यधिक होता है। इसके लिए आसान है कि हर 10 दिन के अंतराल पर एसीफेट नाम का एक कीटनाशक आता है, जो पुराने एंडोसल्फान का सब्स्टिट्यूट है और आजकल काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी उपयोगी है। एसीफेट का 0.2% घोल यानी 1 लीटर में 2 ml मात्रा के हिसाब से प्रति 10 दिन यदि हम छिड़काव रेगुलरली करते रहेंगे तो कीड़ों का प्रकोप बहुत कम हो जाएगा। माना गया है कि 80% तक कीड़ों का प्रकोप इस दवाई के द्वारा साधा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब जल्दी से एक नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र की मंडियों में 1 रुपए किलो पहुंचा प्याज का दाम, किसानों ने की MSP दायरे में लाने की मांग। अब यहां मिलेगा एरोपोनिक विधि से आलू उगाने का लाइसेंस, केंद्रीय कृषि मंत्री ने जताई प्रसन्नता। कृषि यंत्रों पर हरियाणा सरकार दे रही है सब्सिडी, 9 मई तक आवेदन कर सकेंगे किसान। प्याज की बढ़ती कीमतें जहां कभी आम आदमी की जेब पर अपना भार डालती हैं, तो कभी किसानों के लिए नुकसान का सबब बनती है। इसी तरह अभी की अगर बात करें तो देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के किसान प्याज के भाव को लेकर बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। इस साल उन्हें लागत से कम दाम पर प्याज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों के मुताबिक प्रति किलो प्याज उत्पादन की लागत करीब 15 रुपए से ज्यादा हो गई है, जबकि बाजार में उन्हें इस समय कम से कम 1 रुपए से लेकर अधिकतम 11 रुपए तक ही भाव मिल रहा है। महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के मुताबिक 4 मई को सोलापुर जिले में स्थित मंगलवेधा मार्केट में प्याज का न्यूनतम दाम सबसे निचले स्तर पर आ गया था। काफी किसानों को सिर्फ 1 रुपए प्रति किलो के रेट पर प्याज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि सोलापुर मंडी में भी यही रेट रहा है। इसके अलावा दिल्ली समेत देश के तमाम शहरों में उपभोक्ताओं को 30 से 40 रुपए किलो के रेट पर प्याज मिल रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में देश का करीब 40% प्याज पैदा होता है, मगर इन दिनों महाराष्ट्र के किसान काफी परेशानी में हैं। किसानों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो वो कैसे आगे खेती करेंगे और कैसे अपना कर्ज उतारेंगे। इसीलिए यहाँ के किसान सरकार से प्याज को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। कृषि को आसान और मुनाफेमंद बनाने के लिए देश की सरकारें अपने अपने स्तर पर कई तरह के प्रयास करने में लगी रहती हैं। समय समय पर इसको लेकर नई नई तकनीकें लॉन्च होती रहती हैं। अब इसी कड़ी में एरोपोनिक विधि द्वारा विषाणु रोग मुक्त आलू के बीज उत्पादन के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला और मध्य प्रदेश सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बता दें कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र काफी वक्त से इस तकनीक पर काम कर रहा था। अब इस अनुबंध के साथ मध्य प्रदेश बागवानी विभाग को इस तकनीक का लाइसेंस देने का अधिकार मिल गया है, जिसके चलते अब आलू उत्पादन के क्षेत्र में अच्छा खासा विकास देखने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आने वाले इस संस्थान ने हवा में आलू के बीज उत्पादन की अनूठी तकनीक विकसित की है। इस अवसर पर मौजूद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ICAR द्वारा विकसित इस एरोपोनिक तकनीक से देश के कई हिस्सों में आलू के बीजों की उपलब्धता किसानों के लिए आसान हो जाएगी। इस तकनीक के प्रभाव में आने के बाद देश में आलू का उत्पादन बढ़ने के साथ साथ किसानों की आय में भी इजाफा होगा।
समय समय पर किसानों को खेती की तरफ आकर्षित करने और कृषि को आसान बनाने के लिए कृषि मशीनों पर सब्सिडी का ऐलान सरकारें करती रहती हैं। इसी कड़ी में अब हरियाणा सरकार अपने यहाँ के किसानों को कम कीमत पर कृषि मशीन खरीदने का मौका दे रही है। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग किसानों को सब्सिडी पर बीटी कॉटन सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, स्वचालित रीपर कम बाइंडर, ट्रैक्टर चालित स्प्रे पंप, डीएसआर पावर टिलर, ट्रैक्टर चालित रोटरी वीडर, ब्रिकेट मेकिंग मशीन, मेज व मल्टीक्रॉप प्लांटर, मेज व मल्टीक्रॉप थ्रेसर और साथ ही न्यूमेटिक प्लांटर पर 40-50% तक का अनुदान दे रही है। हालांकि आवेदन करते समय किसानों को 2.5 लाख रुपए से कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए 2500 रुपए, जबकि 2.5 लाख या इससे ज्यादा की कृषि यंत्रों पर 5000 रुपए आवेदन करते समय टोकन मनी के रूप में जमा करवाने होंगे। वहीं इच्छुक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए विभाग की वेबसाइट पर 9 मई तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भी कुछ इसी तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की स्माम योजना के तहत भी किसान सब्सिडी पर कृषि यंत्र घर ला सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान हरियाणा सरकार की कृषि विभाग की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। गुजरात के बनासकांठा जिले की 5 तहसीलों के किसानों ने बुधवार को पानी की मांग को लेकर रैली निकाली है और तालाब में पानी भरने और सुजलाम सुफलाम नहर में पानी देने की मांग को लेकर किसानों ने न सिर्फ जमकर प्रदर्शन किया बल्कि दियोदर प्रांत कार्यालय में उप कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। और इतना ही नहीं, किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आगामी चुनाव में वोट बहिष्कार करने की बात कही है। मौसम के बदलते मिजाज ने मक्का किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार आंधी पानी से जहां मक्का फसल की तैयारी में परेशानी हो रही है, तो वहीं खेतों में लगी मक्का की फसल को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। बेमौसम हुई बारिश से बिहार के कटिहार जिले के कुर्सेला परिक्षेत्र के मक्का उत्पादक किसानों के अरमानों पर ग्रहण लग गया है। पिछले 5 दिनों में आसमान में बादल छाए रहे थे, रात में जोरदार बारिश होने लगी और जिसके चलते तैयार मक्का बारिश से लगातार भीगता नजर आ रहा है। बारिश से जमीन भी पूरी तरह से गीली हो जाती है, जिससे किसानों को मक्का सुखाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फसलों को चौपट कर रहे आवारा और छुट्टा पशुओं को पकड़ने के लिए प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए तो किसानों ने खुद ये जिम्मा अपने सर पर ले लिया। दरअसल मुरादाबाद में बीती सुबह इकट्ठा हुए किसानों ने 13 गौवंशीय छुट्टा पशुओं को घेर कर पकड़ लिया, जिनको बाद में वो रस्सी से बांध कर गौशाला ले गए। साथ ही इसकी सूचना उन्होंने SDM मंडी धनौरा को भी दी, जिसके चलते SDM ने EO और पशु चिकित्सा अधिकारी को मौके पर गौवंशीय पशुओं को रखने के इंतजाम करने के निर्देश जारी किए। हिमाचल प्रदेश अधिकतर किसानों की रोजी रोटी सेब की खेती पर निर्भर होती है। ऐसे में पिछली फसल का भुगतान अभी तक नहीं मिलने पर उनके लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। किसानों का कहना है कि वो ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। फल कमीशन एजेंटों ने उनकी बेची हुई फसल का भुगतान अभी तक नहीं किया है। सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल किसानों को इंसाफ नहीं दिलवा पा रहे हैं। ऐसे में किसानों ने आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का भी ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरा खदान में खुदाई करते हुए एक किसान को लाखों रुपयों का हीरा मिला है। जानकारी के मुताबिक 11.88 कैरेट का हीरा है, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि बुधवार को हीरा अधिकारी रवि पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान प्रताप सिंह यादव को ये हीरा जिले के पट्टी इलाके में एक खदान से मिला है। इस हीरे को आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा और कीमत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार तय की जाएगी। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।